नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइफ चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम एक विशेष ग्रह की चर्चा करेंगे, एक ऐसा ग्रह परिवर्तन जो आपके जीवन में और देश और दुनिया सभी में परिवर्तन लेके आने वाला है। और ये जो परिवर्तन है दोस्तों, वो है मंगल का वक्रत्व। जैसा कि आप जानते हैं, 9 तारीख को मंगल वक्री हो जाएंगे रात में 3 बजे के आसपास। और मंगल जब वक्री होंगे मेष राशि में, तो ये जो मंगल का वक्रत्व है, ये देश और दुनिया पर और साथ ही आपकी राशियों पर बहुत बड़े बड़े प्रभाव लेके दोस्तों आने वाला है। और आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि कौन से प्रभाव देश और दुनिया पे लेके आ सकता है ये मंगल का वक्रत्व। और आपकी राशियों के लिए ब्रॉडली हम बात करेंगे कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। दोस्तों, मंगल जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 45 दिन एक राशि में समय गुजारते हैं। एक राशि को पार करने में 45 दिनों का समय मंगल को लगता है। लेकिन जब मंगल पृथ्वी के करीब आ जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे समय में मंगल वक्री हो जाते हैं। वक्री का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की गति के सापेक्ष मंगल की गति जो है वो कमज़ोर हो जाती है और पृथ्वी से मंगल उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। उनका परिभ्रमण काल तो वही रहता है, परिभ्रमण का जो डायरेक्शन है वही रहता है, लेकिन चूंकि रिलेटिव मोशन के तहत वो पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, इसी को ग्रहों का वक्रत्व कहा जाता है। तो मंगल जब पृथ्वी के पास आते हैं दोस्तों, तो वो वक्री होते हैं। और ये जो वक्रत्व है, इसकी वजह से लगभग एक राशि में वो 7 महीने तक उनका रुकने का की स्थिति बन जाती है। जो नॉर्मली 1.5 महीने वो रुकते हैं, वक्री होने की वजह से 7 महीने उनका स्टे हो जाता है। अब इस बार दोस्तों 2 राशियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ऐसे समय में मंगल वक्री हो रहे हैं जब वो वक्री होंगे मेष राशि में, उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे 5 अक्टूबर को, और वक्रत्व उनका जारी रहेगा। और मीन राशि में वक्री होते हुए वो 15 नवंबर को, 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वो मीन राशि में वक्री रहेंगे। उसके बाद 15 नवंबर को मार्गी होंगे दोस्तों, और उसके बाद 26 दिसंबर को वो पुनः मेष राशि में आ जाएंगे और अपनी मार्गी चाल से चलते हुए वो मेष राशि में पहुंचेंगे। और उसके बाद 21 फरवरी को वो मेष राशि छोड़ के वृषभ राशि में फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो इनका अगर परिभ्रमण काल हम देखें तो लगभग 7 महीने का हो रहा है, जबकि वो अपनी मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मंगल पृथ्वी के करीब आ जाते हैं तो ये परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि जब पृथ्वी के करीब मंगल आते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो हमारा अनुभव है कि भूकंप की घटनाएं बढ़ जाती हैं जब भी मंगल पृथ्वी के करीब आते हैं। और ये जो आने वाला समय है, इसमें भी आप देखेंगे कि भूकंप की घटनाएं इसमें फिर से बढ़ जाएंगी। और साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि मंगल जब पृथ्वी के करीब आते हैं तो मंगल से संबंधित जो बातें हैं, जैसे दुर्घटनाएं होना वो भी बढ़ जाता है, विवाद होना वो भी बढ़ जाता है, लोगों का आंदोलन वगैरह करना या किसी बात पर एजिटेशन होना, समूह का, जन समूह का, ये भी चीज़ें देखने में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने में आएंगी अभी जब मंगल वक्री होंगे। और ये जो पूरा समय जो हमने बताया है, लगभग 9 सितंबर से लेके आप समझ लीजिए कि 26 दिसंबर या उसके बाद 21 फरवरी जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, उस समय तक निश्चित रूप से ये बातें आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगी। भूकंप का आना, पृथ्वी में लड़ाई झगड़े का बढ़ना, यानी कि युद्ध की आशंका बढ़ जाना, युद्ध की परिस्थितियों को ये जन्म देगा। और जैसा हमने अपने पहले भी वीडियोज में बताया है कि विश्व युद्ध की परिस्थितियों को ये निर्माण कर देगा। तो ये मंगल का ही खेल चलेगा दोस्तों, जिसमें दो देशों के बीच आपसी शत्रुता वैमनस्य बढ़ेगा और साथ ही
जन आंदोलन आदि का भी इसमें संकेत हमें मिलता है। तो ये आपको सारी परिस्थितियों का निर्माण ये ग्रह करेंगे। विशेष रूप से जैसे कि अभी भारत और चीन में आपसी जो एक टेंशन बना हुआ है बॉर्डर पे, तो ये बॉर्डर का टेंशन भी बढ़ेगा दोस्तों निश्चित रूप से, और एक युद्ध की शक्ल ये ले सकता है। बहुत से देशों के बीच जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण अभी हो सकता है, और उनमें विशेष रूप से जैसे चीन ताइवान की परिस्थितियां हैं, भारत चीन की परिस्थितियां हैं, या ईरान के साथ अमेरिका की परिस्थितियां हैं, अमेरिका चीन की परिस्थितियां हैं, इसराइल और ईरान की परिस्थितियां हैं। इस तरह के जो टेंशन्स हैं दुनिया में, ये टेंशन बढ़ सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता, ये भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये जो समय है, ये युद्ध का समय अब आ जाएगा, लड़ाई झगड़े का समय आ जाएगा, प्रतिद्वंदिता का समय आ जाएगा। इस समय निश्चित रूप से हम सभी को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, टेम्परामेंट को अपने नॉर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्रेशन बढ़ाता है मंगल। जैसा कि हम जानते हैं मंगल लड़ाई का, विवाद का ग्रह है, मंगल चोट का ग्रह है। मंगल जब वक्री होते हैं तो चोट वगैरह बहुत लगती है लोगों को, वाहन से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त होते हैं दुर्घटनाओं द्वारा। तो ये सब परिस्थितियों का मंगल निर्माण करते हैं, और अग्निकांड वगैरह भी होते हैं ऐसे समय में। साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का होना ये इस समय में देखा जाता है। तो मंगल का ये जो परिभ्रमण है, ये जो वक्रत्व है, ये दोस्तों समस्याएं निश्चित रूप से लेके आएगा, और इसमें जो कुछ राशियां हैं उनको अच्छा भी फल देगा ये, कुछ राशियों के लिए सामान्य रहेगा और कुछ राशियों के लिए ये खराब फल लेके आएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप नोट कीजिए कि किसके किसके लिए ये खराब है। तो सबसे पहले तो ये सिंह राशि के लिए अच्छा फल लेके नहीं आ रहा है, कन्या राशि के लिए अच्छा फल लेकर के नहीं आ रहा है, और धनु राशि के लिए अच्छा फल लेके नहीं आ रहा है। ये जो तीन राशियां हैं दोस्तों, अर्थात सिंह, कन्या और धनु, इनको सावधान रहना चाहिए। इनको चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या इनको बहुत एग्रेसिव ये महसूस कर सकते हैं, लोगों से विवाद हो सकता है, यात्रा में परेशानी हो सकती है। तो इन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि पहले से जिनको अपना समय कुछ कमज़ोर महसूस होगा, खास करके 5 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेष राशि जो है उसको अपना समय कुछ कमज़ोर महसूस हो सकता है, कर्क राशि को कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, वृश्चिक राशि को कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। ये जो तीन राशियां हैं उनको अभी जो उनका समय चल रहा था उससे कुछ कमजोरी या कुछ समय में खराबी महसूस हो सकती है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दो तीन राशियां ऐसी हैं दोस्तों जिनको भाग दौड़ जिनकी बढ़ जाएगी, विशेष रूप से तुला राशि और मीन राशि, इन राशियों की भाग दौड़ इस मंगल के वक्रत्व काल में निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, तो इनको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और जब भाग दौड़ बढ़ती है तो व्यक्ति में कुछ एग्रेशन भी आता है, तो भाग दौड़ करें, काम ज़्यादा करें, मेहनत ज़्यादा करें, लेकिन अपने स्वभाव में शीतलता बनाए रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपका विवाद भी इस समय में हो सकता है। कुछ राशियाँ हैं दोस्तों जिनको कुछ खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मिथुन राशि है, जैसे कि कुंभ राशि है, इन राशियों को कोई विशेष इससे दोस्तों प्रभाव इसमें नहीं पड़ना है। तो ये था राशियों का जो दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा था। और वृषभ राशि जो है और मकर राशि, ये दो राशियों को राहत मिलेगी, फायदा होगा इसमें। तो ये दो राशियां लकी राशियां हैं कि इनको इसमें लाभ होने वाला है। तो ये कुल मिला के आपकी राशियों की विवेचना थी दोस्तों, आपके लिए ये मंगल का वक्रत्व तो कैसा रहेगा। वैसे इन जनरल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को विवाद से इस समय बचना चाहिए, वाहन वगैरह सावधानी से चलाना चाहिए, और घर में आग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनसे सावधानी रखना चाहिए।
और साथ ही अलर्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक स्तर पे, देश के स्तर पे युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है, तो देशों को और राष्ट्राध्यक्षों को इस समय शांति बना करके रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ का निर्माण हो सकता है जिससे युद्ध भड़क जाए और उससे व्यापक जनधन की हानि हो। भूकंप के बारे में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि राहु केतु का एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से लगभग जो पश्चिमी क्षेत्र है और जो पूर्वी क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों में भूकंप का विशेष रूप से खतरा है। जैसे कि गुजरात वाला जो क्षेत्र है और इधर जो पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप का खतरा ज़्यादा बनता है। इसके अलावा चूंकि उत्तर दिशा में मेष राशि, यानी कि मेष राशि में चूंकि ये मंगल की स्थिति है, इस वजह से मेष राशि से संबंधित जो क्षेत्र हैं जिनके नाम अ से आते हैं, उन जगहों पर भी भूकंप के झटके या भूकंप का खतरा महसूस हो सकता है। तो ज़रूर इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, और जो राशियां जिनके लिए मैंने खराब फल बताया है, जैसे कि विशेष रूप से सिंह राशि, कन्या राशि और साथ ही धनु राशि, इनके लिए ये सलाह दी जाती है कि वो मंगल का दान करें। मंगल के दान में का लाल मसूर की दाल का दान होता है, वो मंगलवार के दिन करने से आपका जो स्वभाव में जो तकलीफें होंगी या शारीरिक जो तकलीफें होंगी वो दूर होंगी। तो मंगलवार को आप ज़रूर लाल मसूर की दाल का दान करें। अन्य राशियां जो हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं है, उनको मंगल के शांति मंत्र का जप करने से भी लाभ हो सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और ज़रूर आपको एक सलाह दूंगा कि आप जितना कम एग्रेशन अपने मन में लाएंगे, उतना ज़्यादा आपको मंगल के कष्टों से आपको बचाव होगा। शांति से रहें, शांति से गाड़ी चलाएं, शांति से वाहन चलाएं और विवाद न करें, तो निश्चित रूप से ये मंगल का जो वक्रत्व है, जो कि काफ़ी लंबे समय के लिए रहेगा, जैसा हमने बताया, ये मंगल का प्रभाव लगभग फरवरी 2021 तक ही रहने वाला है, तो तब तक ये मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, और आपके जो भी दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनको मुझे लगता है कि ये एपिसोड ज़रूर आपको शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी देख लें, जान लें और सावधान हो जाएं। आगे भी इसी तरह से हमारे एपिसोड्स आप देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, और इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।